नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे करें में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे स्टार हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। स्टार हेल्थ ने अभी अभी एक पॉलिसी चलाई है, इसके बारे में जानेंगे ये पॉलिसी क्या है और कैसे काम करती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसको कौन कौन ले सकता है। अप टू टू अडल्ट एंड थ्री डिपेंडेंट चिल्ड्रन कैन बी कवर्ड इन ए सिंगल पॉलिसी अवेलेबल इन इंडिविजुअल और फ्लोटर बेसिस। तो इसमें दो बड़े और तीन बच्चे ले सकते हैं, जैसे वन अडल्ट एंड वन चाइल्ड, वन अडल्ट एंड टू चाइल्ड, वन अडल्ट एंड थ्री चाइल्ड, टू अडल्ट एंड टू अडल्ट वन चाइल्ड, टू अडल्ट टू चाइल्ड एंड टू अडल्ट थ्री चाइल्ड। मतलब एक आदमी, एक बच्चा, दो बच्चे और तीन बच्चे, और दो आदमी, दो बड़े और तीन छोटे, इस प्रकार से ले सकते हैं। एक अकेले भी ले सकते हैं। अब जान लेते हैं इसमें एज कितनी चाहिए। इसमें एज अडल्ट्स की 18 से 65 साल के बीच में, और जो बच्चा है डिपेंडेंट चिल्ड्रन 91 से 25 साल के बीच में बच्चा माना जाएगा। चाहे वो 24 साल का लड़का है कोई या 20 साल का, तो वो बच्चा माना जाएगा। इसकी लाइफ टाइम रिन्यूअल रहेगा, ये हर साल आपको रिन्यू करना होगा। अब जान लेते हैं इसमें क्या क्या है। दो तरह के प्लान है ये। हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे ऑप्शन इस प्रकार से रहेगी। नंबर एक है बेसिक प्लान, नंबर दो है इनहांस प्लान। सबसे पहले बेसिक प्लान के बारे में जान लेते हैं। इसमें पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा 1,000 रुपये पर डे, 2,000 रुपये पर डे, 3,000 रुपये पर डे। ये बेसिक प्लान है। इसमें आपको इस प्रकार से मिलेगा 1,000, 2,000 एंड 3,000। और जो इनहेंस प्लान है इसमें रहेगा आपका 3,000 पर डे, 4,000 पर डे और 5,000 पर डे के हिसाब से आपको कैश बेनिफिट मिलेगा। यदि भगवान न करे आप बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, तो आपको इस प्रकार से कैश का बेनिफिट मिलेगा पर डे के हिसाब से। चलिए आगे जान लेते हैं कैश बेनिफिट अवेलेबल किस प्रकार से मिलेगा, ये इसमें क्या मिलेगा। जो सिकनेस हॉस्पिटल कैश है वो बेसिक एंड इनहांस प्लान दोनों में मिलेगा। एक्सीडेंटल हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एंड इनहांस प्लान ये भी दोनों में मिलेगा। और जो आईसीयू हॉस्पिटल कैश है वो बेसिक एंड इनहांस प्लान में मिलेगा। और जो कन्वालेंस हॉस्पिटल कैश है वो इनहांस प्लान में ही मिलेगा, वो बेसिक प्लान में नहीं मिलेगा। उसके बाद है चाइल्ड बर्थ हॉस्पिटल कैश, जो बच्चा होता है उसके बर्थ के बारे में वो इनहांस प्लान में ही मिलेगा, वो बेसिक प्लान में नहीं मिलेगा आपको। आगे वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश, ये भी आपको इनहांस प्लान में ही मिलेगा, जो बेसिक प्लान है इसमें नहीं मिलेगा आपको। डे केयर हॉस्पिटल कैश, ये भी आपको बेसिक एंड इनहांस प्लान दोनों में मिलेगा। तो ये इसके बेनिफिट्स थे जो आपने देखे। उसके बाद जान लेते हैं सिकनेस हॉस्पिटल कैश किस प्रकार से मिलेगा। कवरेज रहेगी 24 आवर्स इन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन रिक्वायर्ड, यानी कि 24 घंटे कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट रहना जरूरी है। अवेलेबल फॉर हॉस्पिटल में रहना जरूरी है आस्किंग आउट ऑफ डिसीज इलनेस। तो कैसे, जो बेसिक प्लान है इसमें हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे चूजन बाय दी इंश्योर्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ द डे चूजन बाय इंश्योर्ड, डिटेक्ट वन डे डिटेक्टर इज एप्लीकेबल। इसका मतलब है जो बेसिक प्लान है ये आपको चुनना होगा जब आप इंश्योरेंस कराएंगे इस प्रकार का। इसमें एक शर्त है, यदि आप 4 दिन में एडमिट रहते हैं तो आपका 1 दिन का नहीं मिलेगा, तो आपको 3 दिन के मिलेंगे। अगर आप 8 दिन रहते हैं एडमिट तो आपको 7 दिन के मिलेंगे। अगर आप 3 दिन एडमिट रहते हैं तो आपको 2 दिन के मिलेंगे, यानी कि 1 दिन का आपका नहीं दिया जाएगा। जो इनहेंस प्लान है इसमें क्या रहेगा, इसमें हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे चूज बाय द इंश्योर्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ द चूज डे बाय द इंश्योर्ड नॉट वन डे डिटेक्टिव नॉट बी एप्लीकेबल। यानी कि जो इनहांस प्लान है इसमें आपको, यदि आप जितने भी दिन एडमिट रहते हैं 3 दिन 4 दिन 10 दिन, तो आपको सभी के सभी का पर डे के हिसाब से कैश बेनिफिट वापस मिलेगा। यानी कि इसमें आपका 1 दिन डिटेक्ट नहीं होगा, आपका कोई भी बैलेंस नहीं कटेगा। उसके बाद जान लेते हैं कैश
कैसे मिलेगा? एक्सीडेंटल हॉस्पिटल कैश, यदि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कैसे क्या मिलेगा? उसका 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना जरूरी है, अवेलेबल फॉर हॉस्पिटलाइजेशन अकरिंग आउट ऑफ एक्सीडेंट। तो 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना जरूरी है, तो क्या मिलेगा? अप टू 150% ऑफ हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे, यानी कि जो उसने 1,000 का प्लान ले रखा है पर डे का हिसाब से, तो उसको 150% मिलेगा। तो उसको मान ले देते हैं किसी का 2,000 का है, तो उसको 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। और जो इनहांस प्लान है उसमें भी अप टू 150% ऑफ हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे चूजन बाय द रिक्वायर्ड, जो उसने प्लान ले रखा है इनहांस प्लान 2,000 3,000 5,000 जो भी प्लान है उसके हिसाब से उसको 1.5 गुना मिलेगा। मान ले उसने 4,000 का ले रखा है तो उसको 6,000 रुपये पर डे मिलेंगे। चलिए उसके बाद आगे कर लेते हैं बात। जो आईसीयू हॉस्पिटल कैश ड्यू टू सिकनेस एंड अदर इंजरी, इसमें मिलेगा आपको यदि आप आईसीयू में एडमिट रहते हैं इंडिविजुअल बेसिस मैक्सिमम 30 दिन पर ईयर पर पॉलिसी, फ्लोटर बेस पे मैक्सिमम 90 डे पर पॉलिसी, यानी कि यदि हमने एक इंडिविजुअल पॉलिसी ले रखी है तो उसमें 30 दिन का कम से कम आईसीयू का आपको कैश बेनिफिट मिलेगा। अगर फ्लोटर ले रखा है आपने परिवार के लिए ले रखा है तो 90 दिन का पॉलिसी पर ईयर के हिसाब से आपको मिलेगा। बेसिक प्लान में मिलेगा आपको 200%। मान लो किसी ने 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से बेसिक प्लान ले रखा है तो उसका 200 रुपये 200% मिलेगा। मान लो 2,000 वाला 10 दिन एडमिट रहता है आईसीयू में तो उसका 10 × 20 20,000 रुपये उसका कैश बेनिफिट मिलेगा। जो इनहांस प्लान है उसमें भी सेम रहेगा, अप टू 200% ऑफ इन हॉस्पिटल इन पर डे चूज बाय दी, तो उसको इसी के हिसाब से 200% मिलेगा। इसमें एक शर्त ये रहती है कि इसमें 1 दिन का आपका नहीं मिलेगा, जो शुरू में आपको बताया था वो नहीं मिलेगा इसमें आपके। अगर आप 4 दिन एडमिट रहते हैं तो 4 दिन का मिलेगा, 10 दिन एडमिट रहते हैं आईसीयू में तो 10 दिन का मिलेगा। लेकिन जो बेसिक प्लान है इसमें अगर आप आईसीयू में एडमिट रहते हैं तो आपको 1 दिन का नहीं मिलेगा। चलिए उसके बाद जान लेते हैं। अब आगे है कन्वर्सेशन हॉस्पिटल कैश, इसमें अवेलेबल फॉर हॉस्पिटलाइजेशन रेसिंग आउट ऑफ डिजीज इजनेस बॉडी इनिंग ड्यू टू एक्सीडेंट पर 5 ऑफ द पर डे हॉस्पिटल इन इंडिया, तो उसमें आपको बेसिक प्लान में ये नहीं मिलेगा। और इनहांस प्लान में अगर आप 5 दिन भी एडमिट रहते हो हॉस्पिटल में तो आपको 1 दिन का एक्स्ट्रा आराम करने के लिए कैश बेनिफिट मिलेगा। जो इसमें बेसिक प्लान में यदि आप 5 दिन एडमिट रहते हैं तो आपको 6ठे दिन का नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इनहांस प्लान ले रखे हैं आपने और 5 दिन एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल में किसी भी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या बीमारी की वजह से, तो आपको 1 दिन का घर के लिए रेस्ट करने के लिए उसका भी पैसा आपको मिलेगा, कैश बेनिफिट वापस मिलेगा। चलिए आगे जान लेते हैं। चाइल्ड बर्थ हॉस्पिटल कैश इसमें कैसे मिलेगा? अवेलेबल फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एरेसिंग आउट ऑफ चिल्ड्रन डिलीवरी 2 ईयर वेटिंग पीरियड ओनली फॉर द फीमेल इंश्योर्ड पर्सन, ये मिलेगा। मान लो जो लेडीज है उसी को मिलेगा बेनिफिट ऑफ अवेलेबल अंडर बोथ इंडिविजुअल एंड फ्लोटर बेस में, ये अगर इंडिविजुअल ले रखे उसने लेडी ने और फ्लोटर ले रखे तो दोनों में मिलेगा। तो ये जो बेसिक प्लान है इसमें ये नहीं मिलेगा। मान लो आपने पर डे के हिसाब से 1,000 ले रखा है तो ये इसमें नहीं मिलेगा, इनहांस प्लान में मिलेगा ये। इसमें कैसे मिलेगा? हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे चूज बाय दी, जो उसने पॉलिसी ले रखी है 2,000 3,000 रुपये जो पर डे के हिसाब से, वो 2 साल बाद मिलेगी, यानी कि 2 ईयर वेटिंग पीरियड, 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये उसको ये नहीं अभी आज किया और आज ही मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कैश, ये अगर आप बाहर कहीं भी इलाज कराते हैं इसका आईसीयू कैश बैक, ये जो भी है चिल्ड्रन बर्थ हॉस्पिटल कैश नॉट बी पेएबल बाय द सेम इवेंट, जो आपने वर्ल्ड वाइड में यानी कि अपने देश से बाहर किसी चीज का बेनिफिट ले लिया तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल ये यहाँ पे बेसिक प्लान में, वो वहां नहीं मिलेगा। और जो इनहांस प्लान है उसमें 200% मिलेगा आपको, यदि आप बाहर इलाज कराते हैं तो आपका 2,000 की बजाय 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको कैशबैक वापस मिलेगा। चलिए आगे जान लेते हैं। डे केयर हॉस्पिटल कैश इसमें किस प्रकार रहेगा? क्लेम बेसिक प्लान फॉर इनहांस प्लान आर एडमिशेबल फॉर दी हॉस्पिटलाइजेशन इन द 24 आवर्स, तो इसमें क्या रहेगा? ये कुछ बीमारियों हैं, बीमारियां जैसे फैक्टर अदर देन हेयरलेस
फैक्टर्स, कॉन्ट्रास्ट, डायलिसिस सेंटर्स, होमोग्लोबिन्स, ये कुछ इंग्लिश के शब्द हैं जो हम कम पढ़ पा रहे हैं, तो आप इनको समझ सकते हैं इस प्रकार से। कवर मोर देन टू फैमिली मेंबर अंडर दी सेम पॉलिसी अंडर इंडिविजुअल वेयर एंजॉय 10% डिस्काउंट। यदि आप दो फैमिली का एक साथ कराते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट इसमें दिया जाएगा। उसके बाद है ड्यूली कंप्लीट क्लेम फॉर्म एंड डिस्चार्ज समरी फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मेन बिल विद बी ब्रेकअप डिटेल्स। इसमें आपको क्लेम फार्म मिलेगा, क्लेम फार्म में आपको जो आपके खर्चे हुए हैं उसकी जरूरत नहीं है, लास्ट का सबमिट का बिल देना होगा आपको, डिस्चार्ज समरी की फोटोस्टेट देनी होगी और ओरिजिनल बिल आपको इसमें देने की जरूरत नहीं है। क्लेम प्रोसीड इस प्रकार से रहेगा, दो तीन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने होंगे। उसके बाद तो अंडरस्टूड द पॉलिसी वेटिंग पीरियड, वेटिंग पीरियड किस प्रकार से रहेगा, ये पॉलिसी कैसे काम करेगी। फॉर द फर्स्ट 3 डे ऑफ कवर नो ट्रीटमेंट बेनिफिट फॉर द डिलीसिस स्ट्रेस अदर देन एक्सीडेंटल। यदि आपने आज करा लिया है तो आपको उसी टाइम से तो एक्सीडेंटल शुरू हो जाएगा, लेकिन जो बीमारियां हैं डेंगू मलेरिया टाइफाइड इत्यादि जो नॉर्मल बीमारी, तो वो आपको 30 दिन के बाद कवर मिलेगा उसका, आपको उसी टाइम से केवल एक्सीडेंटल मिलेगा। और जो उसके बाद है प्री एक्सीडेंट डिलीस आर नॉट पेड फॉर दी फर्स्ट 36 ईयर, 3 साल बाद मिलेगा आपको दूसरा बेनिफिट, 24 मंथ ऑफ इन्हांस प्लान, और ये 24 महीने के बाद आपको मिल जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिलीसिस और नजर, ये आप समझ सकते हैं 2 साल के बाद मिलेगी इन बीमारियों का लाभ आपको, फर्स्ट 2 ईयर इंक्लूजन। उसके बाद ये इसी प्रकार से रहेंगी, सम परमानेंट इंक्लूजन जो कभी नहीं मिलेंगे इसमें वो आप देख सकते हैं। यदि कोई सुसाइड करना चाहता है तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा उसको, यदि कोई सेक्स चेंज करना चाहता है उसका क्लेम नहीं मिलेगा इसमें। और भी कुछ पॉलिसी हैं जो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको, इसमें जो टैक्स की हुआ है इसमें आपको क्या चाहिए, एज, फैमिली साइज, टाइप ऑफ प्लान, बेसिक या इनहांस, हॉस्पिटल कैश अमाउंट पर डे के हिसाब से चूज करना है आपको, नंबर ऑफ हॉस्पिटल कैश डे के, प्रीमियम पेइंग टर्म आप कितने दिन के लेना चाहते हैं, इस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की जानकारी अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने यदि अभी तक ये प्लान नहीं दिया है कैश बेनिफिट वाला तो आप इसे ले सकते हैं। ये देखिए ये आपको दिखाया था 1865-91 तक, इसको कितने टर्म के लिए ले सकते हैं, इसको 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, बेसिक प्लान और इनहांस प्लान दोनों को 1 साल के लिए भी आप एक साथ ले सकते हैं, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए इकट्ठा ले सकते हैं। ये इनकी अमाउंट दिखाई थी आपको, 1000 पर डे, 2000 पर डे, 3000। अगर आप इनहांस प्लान लेना चाहते हैं तो इसमें 3000-4000 पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा। ये बेसिक प्लान में आप 30 दिन के लिए यूज कर सकते हैं, बेसिक प्लान में आपके चॉइस आप जो चाहे ले सकते हैं 30 डे, 60 डे, 90, 120 और 180। जो इनहांस प्लान है इसमें 90 दिन से कम नहीं मिलेगा आपको, 120 डे या 180 डे, इस प्रकार से काम करेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक ये प्लान नहीं दिया तो आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप लिखें या कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपका ये इंश्योरेंस जरूर करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।